आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। दृश्य देखिए कितना सुंदर है। सब उस पर्वत के ऊपर प्रभु श्री राम के पास पहुँचे हुए हैं। वानर राज सुग्रीव, जामवंत, युवराज अंगद, हनुमान जी और वानर दल के अन्य सभी सदस्य। प्रभु राम सबसे कुशल मंगल पूछते हैं तो जामवंत जी क्या कहते हैं कि लौट कर आ गए प्रभु, आपके चरण कमल देख लिए, इससे बड़ा कुशल मंगल और क्या होगा, और आपकी ही दया से ये सारे काम हुए हैं। जिस पर आप दया कर देते हैं, देवता, मनुष्य, मुनि, सारा संसार उसके अनुकूल हो जाता है, सब आपकी कृपा दृष्टि है। जामवंत जी अब आगे बात बढ़ा रहे हैं अपने, क्या कहते हैं, नाथ पवन सुत कीने जो करने। कहते हैं हे स्वामी, ये जो पवन पुत्र हनुमान ने जो करने की है ना, अभी जो काम किया है, ये सीता जी की सारी खोज ये हनुमान जी का ही किया कर्म है। ये महान कर्म जो हनुमान जी ने किया है, हे नाथ पवन सुत कीनी जो करनी हनुमान जी ने की है ना, सहस मुख न जाई सुपरनी। हजारों मुखों से भी हम उसका वर्णन करने पर आ जाएं, नहीं कर सकते। ये पवन पुत्र हनुमान की करनी ऐसी है, ऐसा सुंदर कार्य किया है, हजार हजार मुख से भी वर्णन करें नहीं कर सकते। पवन तनय के चरित सुहाए, हनुमान जी के ऐसे सुंदर चरित्र को सुनकर, सुहावने चरित्र को सुनकर, मनमोहक मनोहर चरित्र को सुनकर जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत ने रघुपति प्रभु श्री राम को ये सुहावने चरित्र हनुमान जी के सब सुनाए कहकर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोबारा से इन पंक्तियों को दोहराता हूँ, कुछ समझाना है बहुत ज़रूरी। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसो मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। जामवंत जी ने प्रभु श्री राम को हनुमान जी के सारे कार्य सुनाए और ये कहा कि हजार हजार मुखों से भी इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और हनुमान जी कहाँ हैं, पीछे कड़े हैं, सबसे पीछे कोने में। वानर दल के सभी सदस्य आगे हैं, हनुमान जी सबसे पीछे खड़े। कोई और होता तो छाती ठोक कर आगे आता, कहता कि प्रभु जी, मैंने सागर लांघा, फिर लंका पहुंचा। अरे बड़ा मुश्किल था लंका में पहुंचना, ये तो मैं ही जानता हूं कैसे मैं पहुंचा हूं। वहां पर मैंने लंकिनी को मारा, अशोक वाटिका में गया, सीता जी के दर्शन किए और जो उजाड़ी अशोक वाटिका, रावण की अकल ठिकाने लगा दी, उसके बेटे को भी मार कर आ गया, राक्षस मारे सुमारे, फिर उसकी सभा में जाकर उसकी जो बेइज्जती की मैंने, जो उसे उपदेश दिया, फिर सारी लंका जलाकर राख कर दी, और ये सब काम मैं करके आया हूँ। कोई और होता तो ढोल पीटता अपना, डींगे मारता, किंतु हनुमान जी चुपचाप पीछे खड़े हैं जाकर, जैसे कुछ किया ही ना हो, दल के पीछे ऐसे खड़े हैं जैसे सबसे अधिक अकर्मण्य, अर्थात सबसे अधिक निकम्मे यदि हों तो कोई वे ही हों। इस भाव से, दीनहीन भाव से पीछे खड़े हैं कि मुझसे निकम्मा तो कोई है ही नहीं, मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी काम नहीं कर सकता, ऐसे खड़े हैं। और जामवंत जी उनके विषय में बता रहे हैं सब कुछ। ये शीलता, माता सीता ने जो वर दिया
कि बल और शील के निधान हो जाओ। ये शीलता, अपने किए हुए महान कार्यों को कहने में भी लजा रहे हैं कि कैसे मैं अपनी बड़ाई करूं, जाकर मेरी बड़ाई ही क्या है, मेरा बल ही क्या था जो मैं माँ बड़ाई करूं, जाकर कोने में बैठे चुपचाप। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, जामवंत जी के मुख से हनुमान जी के इन कार्यों का वर्णन सुनकर, इस कार्य सिद्धि का पूरा वृतांत सुनकर प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न हो गए। मन अति भाए, उनको उनके मन को हनुमान जी की करनी बहुत भाए। पुनि हनुमान हर्ष ही लाए, पहले तो दल के सब सदस्य आए थे, सभी से हनुमान जी मिले गले लगकर। अब देखा प्रभु ने कि हनुमान कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, देखा वो पीछे खड़े। बुलाया हनुमान, आ जाओ, आओ। हनुमान आए निकट, प्रभु के हाथ जोड़े हुए हैं। पुनि हनुमान हर्ष ही लाए, राम जी ने हर्षित होकर हनुमान को हृदय से लगा लिया पुनः फिर से। और अब की बार जो हृदय से लगाया, वो हृदय से लगाना कुछ और ही था। हर्ष हर्ष ही लाए, हर्षित होकर, पुलकित होकर, रोमांचित होकर हृदय से हनुमान जी को लगा लिया। कहे हूँ तात के ही भांत जान के, अब फिर हनुमान जी की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, प्रेम से पूछते हैं कि पुत्र बताओ जानकी कैसी है, तुम मिलकर आए हो, बताओ कैसी है। रहत करत रक्षा स्व प्राण की, कैसे सीता वहां पर रह रही है, उसका रहना सहना और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है वहां। अभी तक तो राक्षसों को उसे खा जाना चाहिए था, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती। एक और बात, जो राम जी कह रहे हैं और केवल हनुमान जी समझ सकते हैं, बाकी दुनिया नहीं समझ सकती, केवल हनुमान जी समझ सकते हैं। एक पंक्ति प्रभु श्री राम ने कही है, संसार इसको यूं ही कह सुनकर आके निकल जाता है कि चलो निकलो पतली गली से, राम जी ने कहा, हनुमान जी ने सुन लिया, बात खत्म हुई। लेकिन ये रहस्य भरी बात है जो हनुमान जी ने सुनी और राम जी ने कही और इसका मर्म समझा। आज पहली बार जीवन में आप भी ये मर्म समझेंगे, क्योंकि जो हनुमान जी समझ रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हमारे मन की बात सबको समझाओ, उनकी ही अनुमति से ये बात मैं आगे कह रहा हूँ। फिर से विचार कीजिए, क्या कहा प्रभु ने, क्या पूछा। रहत करत सीता वहां रहती है, कैसे रह रही है, क्या करती है वहां, और रक्षा स्व प्राण की, अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। ये पंक्ति है वो गहरी पंक्ति कि अपने प्राणों की रक्षा वो कैसे करती है। इसका जो बाहरी अर्थ है, बाहरी अर्थ वो तो यह है कि कौन उसकी वहाँ रक्षा कर रहा है। रावण की उस नगरी में अभी तक तो रावण ने उसको मार देना था, तो कौन है जो उसकी वहाँ रक्षा कर रहा है। और इसका जो गूढ़ार्थ है, जो मर्म है, जो केवल हनुमान जी समझ रहे हैं, कहने का अर्थ है कि मुझसे बिछड़ कर भी अभी तक वो जीवित कैसे है, मुझे ये बता दो। ये प्रेमी चित्त का मन, प्रेमी की दशा, ये प्रेमी का प्रश्न,
कि मुझसे बिछड़ने के बाद तो सीता जीवित रह ही नहीं सकती। तो हे हनुमान, तुमने देखा है तो मुझसे बिछड़ने के बाद भी उसने अपने प्राणों को कैसे धारण किया हुआ है, यह मुझे बता दो। अब हनुमान जी जो बताएंगे ना, वो दुनिया में कोई और बता ही नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी कोई और है ही नहीं, तो बताएगा कोई कैसे? और ज्ञान गुण का कोई सागर कोई और है ही नहीं, तो कैसे बताएगा कोई? जो सौंदर्य हनुमान जी अनुभव करते हैं, आंतरिक सौंदर्य, प्राणों में बहती जिस दिव्यता को हनुमान जी अनुभव कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, सूक्ष्म रूप धर के वो एक एक कोशिका तक चले जाते हैं तन मन की, और वहां से उस शब्द की आत्मा का अर्थ खींच कर लाते हैं। अब हनुमान जी क्या उत्तर देंगे, उस उत्तर को अपने प्राणों को लगाकर सुनिएगा। नाम पहरो, हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने पूछा है वहां सीता की रक्षा कौन कर रहा है, मैं तो यहां हूं, लक्ष्मण भी यहां है, फिर सीता की रक्षा वहां कौन कर रहा है? हनुमान जी कहते हैं, नाम पाहरो, हे प्रभु आपका नाम, ये राम का नाम ही वहां पर पहरेदार है, वही पहरा दे रहा है। आपका नाम रक्षक है, आपका नाम पहरे पर है, वहां आपका नाम जहां पहरा दे वहां भला उस स्थान पर कौन किसको छू सकता है, हानि पहुंचा सकता है? आपका नाम पहरे पर है। दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, और आपका ध्यान करती हैं दिन रात, आपका ध्यान करना ही वहां का किवाड़ है, वही कपाट है आपका ध्यान, हर समय आप पर ही ध्यान लगा रहता है। लोचन निजपत जंत्री, और जो नयन है वो आपके चरणों पर ही टिके रहते हैं, और वही ताला है, कहीं और वो देखती नहीं है, बस आपके चरण कमलों का ही ध्यान करती है, और वो ताला लगा दिया उन्होंने। और ताही प्राण के ही बाट, अब आप ही बताइए प्रभु, प्राण निकले तो कहाँ से निकले? पूरा चाक चौबंद प्रबंध है प्राणों को न निकलने देने का, पहरा बिठा दिया प्राणों पर, किसका? आपके नाम का। आपका नाम रूपी पहरेदार वहां पर विराजमान है, बैठा है, और आपका ध्यान वही वहां का किवाड़ है, और आपके चरण कमलों पर नित्य उनकी दृष्टि रहती है, और ये दृष्टि रहना ही क्या है, ताला है। ताही प्राण की ही बाट, अब बताइए कि किस बाट से, किस रास्ते से प्राण बाहर निकले? आप पूछ रहे हैं कैसे प्राणों को धारण करती है, ऐसे करती हैं, इस प्रकार से, इस विधि से। चलत मोहि चूड़ा मणि दीने, चलते समय उन्होंने मुझे ये चूड़ा मणि दी है, ये आप लीजिए। रघुपति हृदय लाई सोही लेने, प्रभु श्री राम ने चूड़ा मणि को लिया और हृदय से लगा लिया। भाव, सीता का भाव, सीता के भाव में खो गए, बह गए, सुमिरन आ गया सीता का। नाथ जुगल लोचन भरवारी, वचन कहे कछ जनक कुमारी,
अब इतनी बात कहने के बाद हनुमान जी ने चूड़ामणि राम जी को दी। प्रभु श्री राम उस चूड़ामणि को हृदय से लगाकर सीता के भाव में बह गए हैं। और उस समय हनुमान जी फिर से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे नाथ, चलते समय सीता जी ने नैनों में आंसू भर के हाथ जोड़कर आपके लिए एक विनती कही है। वह विनती मैं आपसे कहता हूँ। वचन कहे कुछ जनक कुमारी। उन जनक कुमारी ने, सीता जी ने आपके लिए कुछ वचन कहे हैं कि ये राम से कह देना, मेरे प्रियतम से कह देना। वे वचन मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। अनुज समेत गए हूँ प्रभु चरणा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के, उनके चरण पकड़कर मेरा प्रणाम निवेदित करना। तो हनुमान जी ने प्रभु राम के और लक्ष्मण जी के चरण स्पर्श किए, जो सीता जी की ओर से प्रणाम था। दीन बंधु प्रणत हरिहरना। और क्या कहा कि आप दीन बंधु हैं, शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, प्रणाम के साथ आपके लिए ये वचन कहे हैं। मन क्रम वचन चरण अनुरागे। और मैं ये सीता आपके चरण कमलों की मनसा वाचा कर्मणा अनुरागिनी हूँ, उनमें प्रीति रखती हूँ, प्रेम रखती हूँ आपके चरण कमलों में। के ही अपराध नाथ हो त्यागी। मुझे बताइए आपने किस अपराध में मुझे त्याग दिया है, मेरा दोष क्या है, अपराध क्या है। एक बात उन्होंने आपके लिए कही है, अब वे दूत की पूरी भूमिका निभा रहे हैं, सारी बात कह रहे हैं। अवगुण एक मोर मैं माना। सीता जी कह रही हैं मैं मानती हूँ मेरा एक अवगुण है, पता है मुझे क्या अवगुण है, मानती हूँ मैं उसे। बिछड़त प्राण ने कीन प्रणायाना। कि आपसे जैसे बिछड़ी मैं, बिछड़त प्राण ने कीन पयाना, मेरे प्राण नहीं निकले, ये सबसे बड़ा दोष है मेरा। आपसे बिछुड़ने के बाद तो मेरे प्राण निकल जाने चाहिए थे, मैं जी कैसे रही हूँ आपके बिना, ये मेरा सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा। लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, दोष होते हुए भी नहीं है, क्योंकि नाथ सो नैनी को अपराधा। ये सारा अपराध मेरी इन आँखों का है, ये मेरी आँखें हैं जो मेरे प्राणों को नहीं निकलने दे रहे। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि सीता जी कह रही हैं कि आपसे बिछुड़ते ही मेरे प्राण निकल जाने चाहिए थे, नहीं निकले, यही मेरा सबसे बड़ा दोष है और इसे मैं मानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ये सारा कसूर मेरी इन आँखों का है। आँखों का क्यों कसूर है? आँखों का यह कसूर है कि आँखें चाहती हैं फिर से आपके दर्शन करना, आपको देखना, आपको निहारना, और इन्हीं के चलते, इन्हीं आँखों के चलते मेरे प्राण नहीं निकले। और भी कईयों के इसमें कसूर हैं, बहुत सारे शरीर के अंग अपराधी हैं इसके अंदर, और भी बहुत से दोषी हैं। निसरत प्राण करहिं हठ बाधा। और ये इन नेत्रों का ही अपराध है सबसे बड़ा, कि ये इन प्राणों को निकलने नहीं दे रहे, यही रोके हुए हैं। विरह आगिन तनतूल समीरा। सीता जी कह रही है मेरे शरीर के अंदर तो विरह की आग जल रही है, विरह की आग, और ये शरीर मेरा रुई के समान हो गया है, सारा कुछ रुई के समान। श्वास जरई छन माही शरीरा। और ये जो श्वास हैं, ये तेज़ हवाएं हैं, और इन तेज़ हवाओं के चलते ये रुई जैसा शरीर एक क्षण में जल गया होता, लेकिन जला नहीं। नयन श्रव ही जल निज हित लागे, जरे न पाओ देह बेहरागे। कहते हैं जो आंखें हैं ना, ये इन्हीं का कसूर है कि ये जो शरीर मेरा अभी तक जलकर राख हो गया होता आपकी विरह की अग्नि में, लेकिन इन आँखों ने नहीं जलने दिया। ये आंखें निरंतर जल बरसाती रही, बहाती रही, रोती रही निरंतर, और ये जो जलों की वर्षा होती रही, आंसुओं की बारिश होती रही, इन अश्रुओं की वर्षा के अंदर
ये जो विरह की अग्नि थी ये असमर्थ हो गई शरीर को जलाने के लिए, वरना कब का ये शरीर जलकर राख हो चुका होता। मेरा दोष नहीं है, दोष इन नयनों का है। सीता के अति विपत्ति विशाला। अब हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, सीता जी की विपत्तियों का वर्णन मैं नहीं कर सकता, वे बहुत बड़ी हैं, बहुत भारी हैं, बहुत विशाल हैं, बहुत विशाल हैं उनकी विपत्तियाँ, इतनी मुसीबतें हैं उनके ऊपर कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता, बड़ी भारी। बिना ही कहे भन दीन दयाला, हे दीन दयाल, उन्हें ना ही कहा जाए तो ही भला है, तो ही अच्छा है। बिन कहे, क्योंकि मैं कह दूंगा ना तो आपके मन को बड़ा क्लेश होगा, आप दुखी हो जाएंगे, इसलिए वो ना कहीं ही भली हैं, चुप ही रहा जाए, बस इतना ही कहा मैंने कि बहुत बड़ी हैं। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। सीता का यह दुख सुनकर वे जो सुख के घर प्रभु श्री राम हैं, उनके राजीव लोचनों में, कमल नयनों में अश्रु भर आए, आँखें भर आईं उनकी हनुमान जी के मुख से जब उन्होंने ये सारी बात सुनी। वचन काए मन मम गति जाहि, सपने हो बूझी विपत्ति किताहि। वे कहते हैं हनुमान, मन वाणी और क्रम वचन से जो भी कोई मुझ पर भरोसा करता है, मुझ पर आश्रित हो जाता है, मुझ पर भरोसा करता है, क्या सपने में भी उस पर विपत्ति आ सकती है? तुम कह रहे हो सीता बड़ी भारी विपत्ति में है। सीता मनसा वाचा कर्मणा, मुझ पर आश्रित है, मेरे भरोसे है, और जो मुझ पर भरोसा रखता हो उस पर भला सपने में भी कभी विपत्ति आ सकती है क्या, बताओ। अब हनुमान जी क्या कहते हैं राम जी की बात सुनकर, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमृत भजन न होए। वे कहते हैं कि प्रभु आप सत्य कह रहे हैं, उस पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती, क्योंकि मुसीबत तो एक ही है दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत, महान से महान विपत्ति एक ही है। क्या है? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहते हैं प्रभु एक ही विपत्ति है संसार में, और कोई विपत्ति नहीं है। क्या? जब तब सुमृत भजन न होए। जिस दिन आपका भजन सुमरण ना हो वही दिन विपत्ति का दिन है, बाकी कोई विपत्ति नहीं है। आपको भूल जाए कोई, उससे बड़ी विपत्ति कोई नहीं, सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि आपको भूल जाना, और बाकी कोई कठिनाई नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किल नहीं। आपसे जो विमुख हो गया, जो आपको भूल गया, जिसने प्रभु को याद नहीं रखा, समझ लीजिए वही सबसे बड़ी विपत्ति है। प्राचीन काल की बात है, गुरु ने अपने शिष्य से कहा, ए पुत्र ये काम करके आ जाओ। शिष्य आश्रम से बाहर जाने लगा और लौट कर आता है तत्काल और गुरु से कहता है कि गुरुदेव इस समय जाना उचित ना होगा, क्योंकि यह दुर्दिन है, दुर्दिन में श्लेष अलंकार लगा है। दुर्दिन का अर्थ होता है बादलों से भरा हुआ दिन, और दुर्दिन माने बुरा दिन। तो शिष्य कहता है ये दुर्दिन है। गुरु समझ रहे थे कि ये दुर्दिन किसे कह रहा है, कि बादलों से भरा हुआ है आकाश, और आकाश बादलों से भरा हो तो उसे दुर्दिन क्यों कहा जाता था? इसलिए कहा जाता था कि वर्षा अगर होगी तो सारे काम ठप पड़ जाएंगे, कुछ भी काम नहीं होगा। तो बारिश के दिनों को बुरे दिन माना जाता था कि लो बारिश आ गई, अब कर लो, क्या काम करोगे, कोई काम नहीं हो सकता था। फिर साधन पहले इतने होते नहीं थे, तो इसलिए वर्षा काल के अंदर ना लोग यात्रा करते थे,
ना कोई उत्सव समारोह करते थे, कुछ काम नहीं करते थे, क्योंकि काम हो ही नहीं सकते थे, करोगे तो बिगड़ जाएंगे। साधु संन्यासी इत्यादि सब जहाँ होते थे वहीं ठहर जाते थे वर्षा काल में, पता नहीं कहाँ गड्ढा है, कहाँ नाला है, क्या है, कुछ मार्गों का ही नहीं पता होता था। तो इसलिए वर्षा काल में ठहराओ तो उसे बुरा काल माना गया कि बुरा समय है। तो शिष्य कहता है कि गुरुदेव दुर्दिन है, ऐसे में कहाँ जाऊँ, बुरा दिन है। तब गुरु कहता है शिष्य थे, तद दिनम दुर्दिनम मन्ने मेघाच्छनम न दुर्दिनम यद दिनम हरि पीयूष कथा संलाप वर्जितम। गुरु कहता है कि पुत्र जिस दिन आकाश में बादल छाए हुए हों तुम उस दिन को बुरा दिन मत कहो। तद दिनम दुर्दिनम न मन्ने मेघाच्छनम न दुर्दिनम, मेघों से आच्छादित है आकाश, उस दिन को बुरा दिन मत कहो। बुरा दिन कौन सा है, यद दिनम हरि पीयूष कथा संलाप वर्जितम, जिस दिन तुमने प्रभु की कथा के अमृत के संलाप को वर्जित कर दिया है, प्रभु का नाम सुमिरन नहीं किया, ध्यान नहीं धरा प्रभु का, सबसे बुरा दिन वही दिन होता है, बाकी कोई दिन बुरा नहीं होता। और इन सारे भावों को मोहम्मद रफ़ी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में गाया है, भाव से गाया है। सुबह न आई शाम न आई, जिस दिन तेरी याद न आई, याद न आए। तो जान लीजिए, जिस दिन आपके जीवन में ध्यान नहीं हुआ, जिस दिन आपने राम का सुमरण नहीं किया, वह दिन दुर्दिन है, वही दिन सबसे बुरा दिन है। अनेक लोग ध्यान की आकांक्षा से मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको कुछ कुछ ध्यान विधि देता हूँ और कहता हूँ ये नियमित करनी है ध्यान विधि, और वो भूल भूल जाते हैं। मैं पूछता हूँ भूल क्यों गए, कहते हैं और संसार के इतने काम थे, उनमें याद ही नहीं रहा, बिल्कुल याद नहीं रहा। तो वही बात यहाँ हनुमान जी ने कही, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी कहते हैं प्रभु एक ही विपत्ति है बस संसार में, जब तब सुमिरत भजन न होए, जब कोई आपका भजन नहीं गाता, आपका सुमिरन नहीं करता, आपका ध्यान नहीं धरता, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। आप सत्य कह रहे हैं, सीता जी पर भला क्या विपत्ति आ सकती है। जो मनसा वाचा कर्मणा आप पर ही आश्रित है, उसे तो स्वप्न में भी कोई विपत्ति नहीं घेर सकती, कोई विपत्ति नहीं घेर सकती। हनुमान जी के लिए जामवंत जी ने बिल्कुल सही कहा है, सहस मुख सो जाई न बरने। हनुमान जी के गुणों का वर्णन तो हजारों हजारों मुखों से भी नहीं हो सकता। जय हनुमान ज्ञान गुण सा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम बजरंगी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम बजरंगी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। राम 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 मेरे राम दुलारे, राम 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 राम।